नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। आज आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एलिजिबिलिटी फॉर ओपनिंग फॉर अकाउंट, अगर आप इंडिया के हैं और इंडिया में रहते हैं, अगर आपका उम्र 18 से ऊपर है तो आपका अकाउंट यह खुल जाएगा। अगर आपका उम्र 18 से नीचे है, माइनर है, फिर भी आपका अकाउंट आपके गार्जियन के साथ खुल जाएगा। सब्सक्रिप्शन पर फाइनेंशियल ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर आप इसमें मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। पर फाइनेंशियल ईयर आप इसमें 12 बार पैसा जमा कर सकते हैं, 12 बार पैसा जमा कर सकते हैं, बट पैसा का कोई लिमिट नहीं है कि एक बार में आप इतना पैसा जमा करें। आप एक दाम में 1 लाख भी कर सकते हैं, 1.5 लाख भी कर सकते हैं और 500 रुपये भी कर सकते हैं। पैसा डालने का कोई लिमिट नहीं है, पर आप 12 बार ही पैसा जमा कर सकते हैं इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में। पीरियड क्या? पीरियड इसका 15 साल का है। अगर माने कि मेरा 20 साल है, अगर मैं अभी पीपीएफ अकाउंट खुलवाता हूँ तो मैं 35 साल तक इसमें पैसा जमा करूँगा। मेरे पास और टाइम है, मैं चाहता हूँ कि इसे 5 साल के लिए और आगे बढ़ा लूँ, तो मैं इसे 5 साल के लिए और आगे बढ़ा सकता। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6 है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार के अनुसार परिवर्तन के अधीन है, कभी भी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होते रहता है। नॉमनी आप इसमें बना सकते हैं, अगर उम्र बच्चा का 18 से नीचे भी है तब भी उसका नॉमनी आप बना सकते हैं। विड्रॉल फ्रॉम द फंड, 5 वर्ष पे आंशिक भुगतान की अनुमति दी जाती है। अगर आप 5 साल तक जमा कर दिए, तो अगर आपका तबीयत खराब हो गया या अगर आपके साथ किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें आंशिक विड्रॉल की अनुमति दी जाती है, नहीं तो 15 साल पे विड्रॉल होता है। ट्रांसफरबिलिटी, अगर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो आप उसे किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट अगर आप खुद ऑपरेट कर रहे हैं, अगर मृत्यु आपका हो जाता है तो नॉमिनी उसे ऑपरेट नहीं कर सकता है। लोन आपको इस पे मिलेगा, अगर आप पीपीएफ अकाउंट में 2 साल तक पैसा जमा करते हैं तो उसका जो पैसा जमा होता है उसका 25% आपको लोन मिल जाएगा। टैक्स कंसेक्शन, इस अकाउंट में किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगता है, यह टैक्स फ्री है। अदर फीचर्स, पोस्ट ऑफिस या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बैंक में कहीं भी आप अपना एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। प्रतिवर्ष राशि जमा नहीं करने पर प्रतिवर्ष आपसे डिफॉल्ट 50 रुपये उसका चार्ज किया जाएगा, अगर आप 2 साल नहीं जमा करते हैं तो आपसे 100 रुपया चार्ज किया जाएगा। NRI और HUF इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते हैं, जो इंडिया से बाहर आते हैं वो इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते और HUF भी इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते हैं। और आप किसी भी तरह के केस में फंस जाते हैं और उसमें यह उम्मीद आ जाती है कि आपका जो भी पैसा है वो सरकार उसे रद्द कर दे, उसमें आप सेविंग अकाउंट का पैसा आपका रद्द हो सकता है, आपका MMDC जो फिक्स है वो रद्द हो सकता है, बट जब आप PPF अकाउंट का पैसा है वो रद्द नहीं हो सकता है, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। अब आपको पता लग गया होगा कि PPF में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर अभी भी आपके मन में PPF के बारे में किसी भी तरह का सवाल है तो आप कमेंट्स कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।